बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है। तो 8 या 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी जो है पीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन से समारोह की फाइनल तारीख फिलहाल के लिए अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि 8 या 9 जून ये दोनों तारीखों में से कोई एक तारीख ऐसी हो सकती है जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के पीएम के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सियासी गलियारों से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से हालांकि किसी एक तारीख पर अभी मुहर लगना बाकी है और जैसे ही मुहर लगेगी तो आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक सबसे पहले ये खबर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए बताते चले कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हुए 8 या 9 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, करीब 3 घंटे से जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं बैठक में मौजूद हैं। 3 घंटे से बताया जा रहा है ये बैठक लगातार की जा रही है, क्योंकि तारीख भी शपथ ग्रहण को लेकर के अभी उसकी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। दूसरी तरफ एनडीए के जो घटक दल हैं उनको किस तरीके से सामंजस्य में बिठा के रखना है, उनको बांध के रखना है। जिस तरीके से माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, ये दोनों ही गुट अलग अलग मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं, तो सबको किस तरीके से साथ कर चला जाए और कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार जो एक बार फिर से केंद्र में स्थापित की जाए, इन्हीं सारी बातों को लेकर के बैठक में ऐसे जानकारी है कि चर्चा हो रही है। और दिल्ली में कल सुबह 11 बजे एनडीए की एक बड़ी बैठक होगी, संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक होगी ऐसी जानकारी। और बताया जा रहा है कि सांसदों की बैठक, संसदीय दल की बैठक में इसमें पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भी इस बैठक में बुलाया गया और जिसके लिए आज से ही दिल्ली की दौड़ बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम है उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कल सुबह 11 बजे एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है।